हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ्स की, चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 है और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। तो आज जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 3 की बात करेंगे, और पार्ट 3 में हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से अपने बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, और कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाएंगे आखिर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, कह रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 मीटर्स 50 टर्म्स। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें आपसे कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है गिविन है, कि आपको थर्ड टर्म यानी ए थ्री कितनी गिविन है। ए थ्री कह रहा है बच्चों आपसे कितना है 12, ए थ्री कितना है 12 है। अब ए थ्री का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी बच्चों, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कहा, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म आपसे कह रहा है कितना है 12 है। अब देखो ध्यान से, टोटल तो 50 टर्म्स थी आपकी, जिसमें से आपकी थर्ड टर्म 12 हो गई, तो लास्ट टर्म मतलब क्या 50 टर्म, कौन सी टर्म 50 टर्म गिवन है। तो ए 50 आपको गिवन है कितना, ये आपको गिवन है बच्चों कितना गिवन है 106, कितना गिवन है 106। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस वेरी गुड 49d इक्वल्स टू 106। जिससे पूछा जाए सिर्फ वो जवाब देगा, बाकी कोई नहीं। आ जाइए, अब आप क्या करेंगे सर, ए और डी की हम लोग यहाँ से क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में लास्ट में 29th टर्म हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या लिखी, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और a प्लस 49d इक्वल्स टू में 106 इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। देखिए आइए, माइनस माइनस माइनस, बात समझ में आ गई क्या, इससे क्या 49 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 47d हो जाएगा, बात क्लियर हो गई। 106 और कितना 12, तो 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर बताइए कितना, 9 आ गए ना, 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा ना, 84 बचा आपका, कितना आ जाएगा 84, चेक करिए माइनस करके बताइए क्या 84 आएगा बताइए 84 ही तो आएगा, कंफ्यूज हो रहे हो ना, 84 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो 47d इक्वल्स टू कितना 84, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 84 अपॉन में 47, 2 से देखेंगे डिवाइड करके, एक बार दोबारा से माइनस चेक कर लीजिएगा, नाइन आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 9 आएगा, माइनस गलत मत करो भाई, कितना आएगा 9 आएगा। सर कैसे कंफ्यूज, मुझे भी कर दे, देखो ना भाई 6 में से 2 जाएगा 4, और 10 तो ये है ही ना, कॉमन थोड़े लिया हमने, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ गया, तो 47 2 जा, और यहाँ पर माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल हो गया, तो बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई 47 आ गई, और सॉरी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब डी की वैल्यू जब 2 आ गई, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, कोई सी में रख दीजिए, हमने फर्स्ट में रख दिया बच्चों, तो ए प्लस 2d की वैल्यू 2 इंटू 2 इक्वल टू में 12, ए प्लस 2 जा 4 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 माइनस 4, ये देखिए इधर जाएगा 4 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा 8 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। अब जब ए की वैल्यू भी आ गई आपकी, डी की वैल्यू भी आ गई, आपसे क्या पूछा गया 29th टर्म, क्या पूछी गई थी 29 टर्म, तो ए 29 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 28d, यही तो होगा बताइए 29d का ए प्लस 28d, तो ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8 प्लस 28, डी की वैल्यू कितनी है 2,
28 2 कितना होता है 56, कितना हो जाएगा सर 64। तो 29 आपकी टर्म कितनी आ जाएगी 64। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहां पर आपका कंप्लीट होता है। चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे बहुत ध्यान से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 9, और क्या कह रहा है 9 उसको देखेंगे। टोटल इस एक्सरसाइज हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 2 3 4 की बात करी, पार्ट 2 में 5 6 7 की बात करी, और पार्ट 3 में देखते हैं हम कितने क्वेश्चन मैक्सिमम यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल क्वेश्चन गिवन है वो 20 गिवन है, 8 हमारा कंप्लीट हो गया है, 9 पर हम लोग अपने आ चुके हैं। चलिए कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे स्क्रीन पर, और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को, जल्दी से स्पीड में थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जो फर्स्ट टाइम आज व्यूज कर रहे हैं चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जैसे कि आपको सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ NAP आर 4 and -8, यानी थर्ड टर्म आपको गिवन है कितनी है बच्चों वो 4 है, और जो 9th टर्म है वो कितनी है माइनस का 8 है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो कह रहा कि कौन सी टर्म यहाँ पर क्या होगी बच्चों 0 होगी, कौन सी टर्म जो है 0 होगी ये आपको बताना है, यानी कौन सी टर्म मतलब क्या हो गया N की वैल्यू आपको बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है N की वैल्यू बतानी है कि कौन सी टर्म क्या होगी 0 होगी। चलिए बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है उसको अभी हम करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा ये 9 नंबर, ये सब पूरा कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से देखिए 9 नंबर। सबसे पहले बात है थर्ड टर्म हमको गिवन है 4, A3 हमको कितना गिवन है 4, A3 की वैल्यू A+2D होती है सर, ये हो गई जी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे आपसे फिर कहा गया है 9th टर्म गिवन है, कौन सी टर्म 9th, और कितनी है माइनस का 8, तो A9 गिवन है कितना माइनस का 8। A9 की वैल्यू मतलब क्या होती है फॉर्मूला A+8D इक्वल टू में -8, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करेंगे हम, ए और डी की पहले वैल्यू निकालेंगे, आइए तो A+8D = -8, A+2D = 4, देखिए आइए माइनस हो गई, सिंपल सी बात। ये वाली कौन सी इक्वेशन थी आपकी सेकंड थी, ये कौन सी थी फर्स्ट थी। चलिए देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखिए A से A कैंसिल, 8 में से 2 जाएगा सर 6D, 8 और 4 देखिए दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा 12, और सबको मालूम है 6 2 होते हैं 12, तो D की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई सर, D की आ गई हमारी -2 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू के लिए क्या करें, पुट D = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए, देखिए ये तो A की जगह A रहेगा 2D की जगह पर -2 = 4, -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा = 4। अब क्या करेंगे सर, इसको इधर ले चलेंगे A = 4 + 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, क्या आ गई 8 आ गई। क्या कहा गया था, कौन सी टर्म विच टर्म, आपसे N की वैल्यू क्या आ गई थी क्वेश्चन मार्क थी, N क्या था क्वेश्चन मार्क था आपका यहां पर, ठीक है AP is 0, तो AN कितना गिवन था यहां पर 0। चलिए जाइए फॉर्मूला लगाते हैं AN = A+N-1 × D, AN की वैल्यू 0, A की वैल्यू 8, N-1, डी कितना है हमारा यहाँ देखिए -2 है, देखिए 8 को इधर लेकर के आएंगे तो -8 हो जाएगा -2 N-1, -2 से देखिए माइनस से माइनस क्या हुआ हमारा बच्चों यहाँ कैंसिल कर दिया,
तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 4, 1 इधर जाकर कैसा हो जाएगा आपका प्लस का, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका ये 9th कंप्लीट हुआ, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस 5th term ऑफ AP इज 0। तो कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, 5th term आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, आराम से एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे, और देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन की सीरीज आपकी है और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो वीडियोस कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट्स और जो सजेशन है आप tiwariclass812@gmail.com पर आप हमें दे सकते हैं, सजेशन का आपके स्वागत है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, स्पेशल संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे और वेंडर्सडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे हमारे साथ आप लाइव आ सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं, स्टडी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बिना किसी एजिटेशन। कम्युनिटी टैब यूट्यूब चैनल पर हमारे जाके आप वहाँ पर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं क्विज में मैथ्स की, और जो है आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं मैथ्स एट्स तिवारी क्लासेस पर, और हमारा जो फेसबुक पेज है तिवारी क्लासेज और इंस्टाग्राम पेज तिवारी क्लासेज, आप हमारा उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बच्चों क्या कह रहा है हम उसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10, और इसको हम कर देते हैं यहाँ रख, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कंप्यूटर जी रेडी हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, लगा दीजिएगा कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10, तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि अभी आप चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट भी चैप्टर्स करेंगे, और इसके बाद में आप लोगों के असर्शन रीजन केस हिस्ट्री जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी आते हैं 12 मार्क्स की केस स्टडी आती है, 3 केस स्टडी आपकी आती है, तो उन पर भी थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग चैप्टर वाइज। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर लगा दिया गया है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है द 17th term ऑफ NAP एक्सीड इट्स 10th term बाई 7। देखिए एक्सीड का मतलब क्या होता है, मोर देन, क्या होता है मोर देन, तो यहाँ पर घबराना नहीं कि एक्सीड आ गया है, ये एक्सीड कौन सा वर्ड आ गया, एक्सीड का मतलब होता है मोर देन। आगे कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सिंपल सी बात कही गई है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन में कहा है ना सिर्फ उसको लेकर के चल दीजिए, क्या कहा गया है उसको देखो अंडरलाइन कर लीजिए। 17th term कौन सी टर्म बच्चों, 17th term यानी A 17 को कह रहा है। आगे कह रहा है कौन सी टर्म से है, 10th term से है, तो 10th term मतलब क्या होता है A 10, और कितना है 7 है। A 17 का फॉर्मूला क्या होता है, A+16D होता है, A 10 का होता है A+9D होता है, और प्लस में कितना होता है 7, A से A कैंसिल, 9D को इधर लाएंगे आप, 16D-9D इक्वल टू में 7, 16 में से 9 जाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, वेरी गुड, 7D इक्वल टू में 7, और सबको पता है 7 1 जा 7, तो बच्चों D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो कॉमन डिफरेंस ही आपसे पूछा गया था, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस द कॉमन डिफरेंस इज वन। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों का हो गया जी कंप्लीट। आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 में, सिंपल सा क्वेश्चन MCQ में आ सकता है आपका ये, अगर AP की केस स्टडी आ रही है तो वहाँ भी आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर अपने 11 पर, और क्या कह रहा है 11 नंबर हम उसको बहुत ध्यान से अब देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस गिविन है, तो कोशिश रहेगी हमारी कि लगभग 15 क्वेश्चन तो हम इसमें कंप्लीट ही कर लें अपने, जैसे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।
टोटल यहां पर क्वेश्चन गिवन थे कितने, 20। हम कौन से पर आ गए, अपने 11 नंबर पर। देखिए कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको देखेंगे आराम से। इसको कर दिया जी हमने रफ, देखिए। चलिए जी कंप्यूटर जी तैयार है और लगा दिया क्वेश्चन 11 नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सबसे पहली बात ये होगी जो गिविन AP है का क्या है वो लिखेंगे, द गिविन AP क्या है वो, देखिए AP इज 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39। ये आपको AP गिविन बच्चों। सबसे पहली बात सबको मालूम सर ये होता है AA को हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब हो गया A। D निकालेंगे सर तो D निकालते हैं हम लोग A2 - A1, यानी क्या 15 - 3 कितनी आ गई, D की वैल्यू सर 12 आ गई, कितनी आ गई 12। अब जो क्वेश्चन में गिविन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म विल बी 132 मोर देन, विच टर्म कौन सी टर्म, विच टर्म 132 मोर देन 54, यानी 54th टर्म से कितना मोर देन है, 132 है। AN का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, AN का फॉर्मूला सर होता है A+N-1 × D। A54 का फॉर्मूला हो जाएगा A+53D, और यहाँ पर प्लस में कितना है 132 है। देखिए सिंपल सी बात है और यहीं से सिंपल सी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अपनी कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो A से A क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कैंसिल हो गया, A से A हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। देखिए ध्यान से एकदम बात को, अब D की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सर 12 है, कितनी है 12, N-1 को आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, D की वैल्यू 12, 53 × 12 और प्लस में कितना 132, N-1 × 12। अगर यहाँ से आप 12 को कॉमन लेंगे 53 और प्लस में कितना आ जाएगा 11, कितना आ गया 11, 12 से 12 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल कर दिया हमने। बहुत हम लोग ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत धीरे, स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, जैसे आप लोग कहते हैं ना बाद में स्पीड सर बहुत ज़्यादा। तो N-1 = 53 और 11 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 64। अब इस 1 को इधर लेके चलेंगे तो 64 प्लस 1 N की वैल्यू हो गई 65, तो आंसर भी आ गया ना 65। विच टर्म कहा गया था, 65 आंसर आ गया, तो क्या कहा रहा था वहाँ पे विच टर्म, तो क्या लिख देंगे हैंस द 65 टर्म, हैंस द 65th टर्म, 65th टर्म है ना, 65th टर्म विल बी मोर देन 132। कौन से की बात कर रहा था, 130 विल बी 132 मोर देन, विल बी 132 मोर देन कौन सी टर्म से, 54th टर्म से शायद, हाँ यस विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म, द 54th टर्म, यही तो था देखिए 54th टर्म से। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर हो गया 11 कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग अपने अब क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत बढ़िया है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आता है आपका ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 12, और देखेंगे 12 नंबर क्या कह रहा है, ये आराम से नोट करेंगे कंप्यूटर जी, क्वेश्चन को लगाने की तैयारी करेंगे और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12, चलिए देखिए 12 नंबर में बच्चों कहा गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रफ कर देते हैं। चलिए अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर इसको रफ ही कर दीजिए आप, नोट कर लिया होगा सबने, सिंपल था कोई ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है,
क्या कह रहा है 12 को बहुत ध्यान से बच्चों समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि बोर्ड में बहुत ज्यादा ये वाला पूछा भी जाता है। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है 2 APEs है हमारे पास। कितनी APEs है बच्चों? 2 APEs है और द सेम कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कॉमन डिफरेंस अलग है डिफरेंट है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है कितना है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, आपसे 1000 टर्म्स आपसे यहाँ से पूछी गई है तो क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APEs आर स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, फर्स्ट वाली जो AP है उसका तो स्मॉल ए लेट कर लिया और जो सेकंड AP है उसका हमने कितना लेट कर लिया, कैपिटल ए लेट कर लिया। बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली जो उसने बात कही बच्चों क्या कहा, 100 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट AP, 100 टर्म फर्स्ट AP हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली AP का फाइंड करेंगे। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको कितना गिवन है, 100 गिवन है। कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है आपको, 100 गिवन है। चलिए जी आइए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 100 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP तो हमने कितना लिख दिया है, ए प्लस 90। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होना, कोई A1 A2 करेगा, कोई A1 A' करेगा, तो हमने इसलिए क्या करा, एक को स्मॉल a लेट कर लिया, एक को हमने क्या कर लिया बच्चों, कैपिटल A लेट कर लिया। ठीक है, 100 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे ही क्या करना है आपको, सेकेंड AP की 100 टर्म्स लेनी है। क्या लिखेंगे, 100 टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। अब देखिए सेकेंड AP के लिए हमने कैपिटल A लेट किया है फर्स्ट टर्म, बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से अंडरलाइन कर लेंगे, आपको डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, आपको क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। आइए यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस गिवन था यहाँ पर आपको। ठीक है, तो डिफरेंस क्या गिवन है, डिफरेंस देयर 100 टर्म्स इक्वल टू कितना बच्चों, 100। देखिए a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d, यस माई मिस्टेक, इक्वल टू 100। तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू में कितना, 100। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की। अब क्या बचा, a माइनस a इक्वल टू कितना आ गया, 100। इक्वेशन नंबर क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे अब ध्यान देना है, आगे क्या कहा, आगे कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, आपसे डिफरेंस पूछा गया है कितनी टर्म का, 1000 टर्म्स का। आइए डिफरेंस देयर 1000 टर्म्स ऐसे लिख दीजिए, टर्म्स क्या बनेगा, फॉर्मूला सेम एज बिल्कुल, यहां देखिए a प्लस क्या बचा 999d, ठीक है, माइनस a कैपिटल a आ जाएगा प्लस 999d। अब देखिए इसको ओपन करिए ब्रैकेट, 999d माइनस a माइनस 999d, देखिए माइनस और ये प्लस, कितना आ गया a माइनस a, पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a माइनस a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a माइनस a है, देखिए a माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100। तो यहाँ कितना लिख दीजिए आप, 100 लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो बच्चों यहाँ पर हमने जो बात करी, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये आपका 12th कंप्लीट। हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्या कह रहा 13 टर्म उसको देखेंगे। अब हमारे क्वेश्चन 13, 14, 15 सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका 13 नंबर, और 13 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए कैसी लग रही वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, लिंक शेयर करें यूट्यूब चैनल का, जैसे वो भी यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि आपको पेपर लीक सीरीज भी यहाँ पर मिलेगी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगी। और केस स्टडी, एसर्शन रीजन, कोशिश करेंगे आप लोगों को साइंस की वीडियोज़ भी मिलेंगी यहाँ पर, हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर अपने 13 पर आ गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों जो मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ। 13 क्वेश्चन है, 13, 14 है ना, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनको अच्छे से आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 13, क्वेश्चन नंबर है कौन सा 13। चलिए जी 13 को देखते हैं, आइए क्या कहता है 13 नंबर, इसको कर देते हैं रफ, नोट कर लिया होगा सभी ने, नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 क्या कह रहा है ध्यान से देखना है बच्चों। 13 में कहा गया है हाउ मैनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी क्या कहा, सिंपल सी बात करिए कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 7 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं आपको सबको, ये 3-डिजिट नंबर हमको लेने हैं, कैसे नंबर लेने हैं 3-डिजिट नंबर आपको लेने हैं। तो सिंपल सी बात है, तो लिख दीजिएगा द 3-डिजिट नंबर नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, नंबर्स डिविजिबल बाई 7। अब वो कौन कौन से होंगे 3-डिजिट नंबर आपको लेने, कौन से नंबर लेने 3-डिजिट नंबर लेने, तो क्या नंबर होंगे देखिए हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं सर, तो शुरू कैसे कर, देखिए 100 3-डिजिट नंबर होता, क्या डिविजिबल होगा 7 से, नहीं होगा। 101 होगा वो भी नहीं होगा, 102 होगा नहीं होगा, 3, 4, 5 होगा, कौन होगा 5, बात समझ में आ गई क्या। अब यहाँ से आपको क्या करना है 7 ऐड करते चले जाओ, कितना ऐड करते चले जाओ 7, 105, 112 और फिर 19, ठीक है। अब आपने 3 नंबर लिख लिए, 3 नंबर आपके बहुत है, अब आपको क्या करना है, अब लास्ट टर्म और लिख दीजिए, कौन सी टर्म लिख दीजिए लास्ट वाली। अब लास्ट में था हम लोग अगर पहुँचेंगे तो 999 के बाद में 10,000 हो जाएगा, कितना 1,000 हो जाएगा, तो 1,000 भी नहीं होगा, 999 नहीं होगा, 998 नहीं होगा, 997 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो नंबर डिविजिबल होगा लास्ट में कौन सा हो जाएगा 994 हो जाएगा, कौन सा डिविजिबल होगा 994, आप लोग चेक कर सकते हैं जब भी करें तो ज़रूर करें कि गलत ना हो जाए। देखिए आइए ए की वैल्यू कितनी है, सिंपल है सर ये तो सबको मालूम है 105। डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1, चेक करो 112 - 105 कितना जाएगा सर 7 आ जाएगा, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में नंबर गिवन है AN, क्या बोलते हैं इसको लास्ट टर्म, मैंने आपको पहले बताया आप इसको एल भी बोल सकते हैं, आप इसको AN भी बोल सकते हैं, ये कितना आपको गिवन है 994 गिवन, 994। सिंपल सा हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा सबको वो तो मालूम ही है, क्या होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 994, ए की वैल्यू कितनी है 105, N-1, डी कितना है 7। सर यहाँ N, क्योंकि N ही यहाँ पर क्या था पूछा गया था, हाउ मैनी टर्म, कितनी टर्म, तो N क्या था यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आपका, तो आपको यही यहाँ पर क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए 994 - 105 = 7 N-1,
यहाँ चलेंगे माइनस, देखिए 14 में से 5 जाएगा, जल्दी से 994 में से 105 माइनस करके एक बार बताएंगे कितना आएगा, बताइए 889, तो 7 एन माइनस 1 इक्वल टू 889 आ जाएगा। अब इसको 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 889 अपॉन 7, 7 वन जा 7 कैरी कितना हो गया 18 हो जाएगा ना, और 7 टू जा 14 कितना हो जाएगा, फिर 4 बचा यहाँ पर कितना हो गया 19, और 7 जा तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, 1 को इधर लेके चलेंगे हम लोग तो 127 प्लस 1 कितना जाएगा 128, n की वैल्यू कितनी आ गई 128 आ गई। तो लास्ट में सबको मालूम पड़ गया, हैंस देयर आर 128 आपसे पूछा गया था कि कितनी डिजिट हमारी है ना, 128 नंबर ऑफ डिजिट, थ्री डिजिट नंबर, 128 थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, क्योंकि हम लोग 7 से डिविजिबल की बात कर रहे हैं, तो कितने नंबर 128 नंबर जो होंगे वो 7 से क्या होंगे बच्चों, डिविजिबल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 बच्चों यहाँ हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और अब हम अपने आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने 14 की तरफ आ गए, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया आपका पार्ट कौन सा था, ये थर्ड पार्ट है। पार्ट थर्ड में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ से बात करी है बच्चों, 8 से कहाँ तक बात करी, 13 की। पार्ट जो आपका फोर्थ होगा उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 20 की। पार्ट जो हमारा टू था उसमें हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन 7 की बात करी। जो हमारा पार्ट वन था वहाँ हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 उसका डेटा इस तरीके से। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो फोर्थ करेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से बात करेंगे बच्चों, 14 टू 20 की। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज, ट्विटर, ईमेल सभी का। सजेशन के लिए tiwariclass812@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे लगाएं, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप यहीं से कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को पेपर लीक सीरीज और असरसर रीजन के SSDV बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट फोर में एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और तिवारी क्लासेस को देखते रहें। गुड बाय टू ऑल।